गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रेन. यू ऑल आर रेडी? यस सर. चिल्ड्रेन, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट नंबर ऑफ नाउंस. इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज वचन. यू ऑल आर फॉलोइंग वेल? यस सर. मोस्ट वेलकम इन दिस इंग्लिश क्लास. टुडे वी हैव टू स्टडी टॉपिक नंबर. बट बिफोर स्टार्टिंग इट आई वुड इंट्रोड्यूस यू अबाउट दिस वेरी डे. टूडे इज 3rd of August 2020. डे इज मंडे. सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. टॉपिक विल बी नंबर. इन हिंदी इट इज नोन एज वचन. एंड दिस क्लास इज एप्लीकेबल फॉर स्टैंडर्ड 1-5. Actually, singular means one and plural means more than one. And in literal words, it can be defined as under. The noun has two numbers, that is singular. When the noun is used in one, it is said to be used in singular number. अर्थात जब noun का प्रयोग किसी एक चीज के बोध के लिए किया जाता है हिंदी तो उसे एक वचन या सिंगुलर नंबर कहा जाता है. इन इंग्लिश प्लुरल फॉर प्लुरल नंबर. व्हेन द नाउन यूज इन मोर देन वन इट इज सेड टू बी यूज इन प्लुरल नंबर. जब किसी संज्ञा का प्रयोग एक से ज्यादा संख्या में बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक संख्या में बोध कराने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्लुरल नंबर या बहुवचन कहते हैं. इंग्लिश में प्लुरल नंबर और हिंदी में बहुवचन कहा जाता है. इसके दो रूल है. देयर आर एक्चुअली 11 रूल्स टू कन्वर्ट ऑल द गिवन नाउंस इनटू प्लुरल फॉर्म. बट टुडे वी हैव टू स्टडी ओनली टू रूल्स टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्लुरल फॉर्म. ओके, जस्ट फॉलो इट. रूल फर्स्ट, द प्लुरल ऑफ नाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन. आज हम वैसे नाउन का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है. जैसे बैलून बैलून्स, आई आई, लायन लायंस. इसमें सिर्फ एस लगाने से प्लुरल बन जाता है. लायन मतलब एक लायन, एक शेर. और लायंस मीन्स बहुत सारे शेर. पिक्चर पिक्चर्स, स्टिक स्टिक्स, अम्ब्रेला अम्ब्रेलाज, बोट बोट्स, हॉर्स हॉर्सेज. हॉर्स मीन्स एक घोड़ा. हॉर्सेज मीन्स बहुत सारे घोड़े. मंकी मंकी, शू शूज, ट्वा ट्वाय, विंडो विंडोज. इस तरीके से हमने देखा कि एस लगाकर इन शब्दों को हम प्लुरल बना पाते हैं. तो इससे इसके क्या कंक्लूजन डिराइव होते हैं? जिन शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट आया एन तो एस लगाया हमने. फिर जिन शब्दों के अंत में ए आए या ई आए, फिर डबल ई आए, ए वाई ई वाई ओ वाई डबल ओ आए, उन्हें सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है. इसके लिए हमने रूल लिख दिया है. दिस इज रूल सेकेंड. एक्चुअली यूज एस टू द एस टू मेक प्लुरल विद द वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट और ए ई डबल ई ए वाई ई वाई ओ वाई और डबल ओ. इससे क्लियर है कि जिन शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट आएंगे या ई आएगा डबल ई आएगा ए वाई आएगा ई वाई आएगा ओ वाई आएगा डबल ओ आएगा, उनमें सिर्फ एस जोड़ने से हम प्लुरल बना पाएंगे. प्लुरल बनाने का यह पहचान है, यह नियम है. अब हम इसके लिए कुछ होमवर्क दिए हैं. जस्ट राइट द प्लुरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. बैग बॉल बैट बुक कैप कैट बुक. ये सब भी शब्द आपके एस लगाने से प्लुरल फॉर्म में बन जाएंगे. नेक्स्ट रूल सेकेंड, बाय एडिंग ई एस टू द नाउन एंडिंग इन ओ और
hissing sound as ch, sh, s, double s or y, x. जिन शब्दों के जिन इंग्लिश वर्ड के अंत में सी एच एस एच एस डबल एस और एक्स आते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए ईएस को जोड़ना होता है. जैसे बैच ईएस लगाएंगे बैचेज, क्लास इसमें ईएस जोड़ेंगे क्लासेज, फॉक्स इसमें ईएस जोड़ेंगे फॉक्सेज, बुश इसमें लगाएंगे बुशेज, बस बसेज, ड्रेस ड्रेसेज, ग्लास ग्लासेज, मैच मैचेज, बुफेलो बुफेलो. तो इससे हम ये रूल डिराइव करते हैं यूज ईएस विद द वर्ड्स एंडिंग विद एस डबल एस सी एच एस ए ओ एक्स. आपका होमवर्क है चेंज फॉलोइंग वर्ड्स इनटू प्लूरल फॉर्म. एग्जांपल क्लास डिश ग्लास गैस किश मैंगो मॉस्किटो मोटो मोटो हीरो निग्रो पोटैटो टैक्स बाज. मस्ट नोट इट डाउन एंड चेंज इट इनटू प्लूरल फॉर्म एंड आफ्टर चेंजिंग मस्ट गेट इट चेक बाय योर कंसर्न क्लास टीचर एज वेल एज फ्रॉम योर पेरेंट्स. बिकॉज नाउ वी आर इन लॉकडाउन पीरियड वी आर कंडक्टिंग इट फ्रॉम होम. ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल. एंजॉय द क्लास ऑन यूट्यूब and online classes. See you in next class.